पश्चिमी राजस्थान में मुसलमानों के धर्मगुरु के नाम से जाने जाने वाले काजी फकीर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पश्चिमी राजस्थान में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु काजी फकीर का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार की सुबह जोधपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। जैसलमेर के रहने वाले काजी फकीर सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में मुस्लिम समाज के बड़े पीर पगारों की नुमाइंदगी करते थे। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में भी उनकी काफी अच्छी पकड़ थी। फकीर जिस ओर इशारा कर देते उनके समाज के लोग उधर ही वोट डालते थे। काजी फकीर के बेटे सालेह मोहम्मद गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पूरा फकीर परिवार ही प्रदेश की राजनीति में काफी सक्रिय है। खुद काजी फकीर में वो कुव्वत थी कि चुनावों के वक्त वो अपने दम पर 40 से 50 हजार वोट जिसे चाहे उसे दिलवा सकते थे। जैसलमेर जिले के लिए बहुत बड़ी क्षति है, अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि हमारे जिले के कद्दावर कांग्रेस नेता और वरिष्ठ संरक्षक जिले के मुस्लिम धर्मगुरु श्री काजी फकीर साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनका दशकों पुराना हमारे परिवार से संबंध था। मेरे ताऊजी स्वर्गीय गोवर्धन जी कल्ला के वे अजीज मित्र थे और एक इतना जुड़ाव था कि जैसे परिवार की बात ही वो हमारे सदस्य थे। बिल्कुल, ये एक युग का अंत है क्योंकि उन्होंने इस कांग्रेस को शुरू से, जब कोई कांग्रेस में नाम नहीं लेता था उस समय के वो कांग्रेसी है और उन्होंने कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींचा था और कांग्रेस के लिए उन्होंने कई अपने त्याग और बलिदान भी किए थे। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद के पिता काजी फकीर काफी वक्त से बीमार थे। कुछ दिन पहले ही कोमा में जाने के बाद उन्हें जोधपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां आज सुबह 3:30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। काजी फकीर कई वर्षों से पाकिस्तान में स्थित पीर पगारों के भारत में प्रतिनिधि की भूमिका निभाते आ रहे थे। सीमावर्ती क्षेत्र में उन्हें काफी मान सम्मान हासिल था। कहा जाता है कि काजी फकीर का अलग से सामाजिक न्यायालय चलता था, जहां मुस्लिम समाज के बीच होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए वो खुद कचहरी लगाकर बैठते थे और उनके फैसले को भी उनके समाज के लोग सिर माथे से लगाते थे। काजी फकीर के बेटे सालेह मोहम्मद गहलोत सरकार में मंत्री हैं। वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जयपुर में अपना इलाज करवा रहे हैं। सालेह मोहम्मद के पिता और मुसलमानों के मसीहा माने जाने वाले काजी फकीर के निधन से पश्चिमी राजस्थान के साथ ही पाकिस्तान के भी सिंधी मुसलमानों में शोक की लहर है। राजस्थान तक के लिए जैसलमेर से विमल भाटिया की रिपोर्ट।